तो अभी बात करते हैं मुद्दे की, जॉब क्यों छोड़ा। वैसे तो जॉब छोड़ना इट्स वेरी नॉर्मल, हर इंसान अपने आगे अच्छे फ्यूचर के लिए कोई ना कोई जॉब छोड़ता है और दूसरा पकड़ता है। ठीक है, मेरे केस में आप लोग पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि मैं किसी का दोस्त हूँ, ठीक है, और मैं उसके साथ काम कर रहा था इतने सालों के साथ, तो क्यों। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब तक शादी नहीं हुई थी ये जॉब परफेक्ट था, कोई इशू नहीं होते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कभी भी आओ कभी भी जाओ। बस शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, जिम्मेदारी आती है, टाइम देना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं जो इतना सारा जो चीज़ें चलती है उसका फ्रस्ट्रेशन हमारे घर वालों पर ही उतरता है, मेरे केस में मेरी वाइफ पर उतर रहा था, जो हमारे रिलेशन को ख़राब कर रही थी और वो मुझे नहीं चाहिए था। और जब कुछ महीनों बाद गुड न्यूज़ आई तो और मामला बिगड़ गया, बिकॉज मुझे बहुत कुछ करना था लाइफ में और अब एक और जिम्मेदारी आ गई तो मैं कर नहीं पा रहा था। तो मैंने जैसे तैसे एक फैसला ले लिया कि लेट्स क्विट द जॉब, क्योंकि सारा फ्रस्ट्रेशन वहीं से आ रहा है। और अगर आप आज का ये पूरा ब्लॉग देखोगे ना, मेरे चेहरे पे आपको रिग्रेट दिखेगा ना फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। ये पिछले एक महीने से मैं ऐसे ही हूँ, रिलैक्स्ड चिल। फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टेबल जॉब नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। पर एक जो फ्रस्ट्रेशन था, जो रिग्रेट्स होते थे, सब कुछ बंद हो गए। तो ये बेसिकली मैंने अपने लिए किया, मेरे बच्चे के लिए किया, मेरे वाइफ के लिए किया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम। जो ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, मुझे मिला है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपना पूरा 1-2 साल जितना भी लगेगा प्रो बनने के लिए मैं करूँगा, मैं बन के दिखाऊँगा, बट साइड बाय साइड जॉब पे देखना पड़ेगा, ज़रूर करेंगे। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब सॉर्टेड है। तो ये वीडियो के रिलेट मतलब यहाँ वहाँ शेयर करके आप ये मत करना कि कुछ पंगा चल रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब चिल्ड आउट है, जस्ट जॉब चेंज हुआ है, दोस्ती नहीं ख़त्म हुई है। बस इतना ही बोलना था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ।